एंकर को धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत ही अच्छे अंदाज से मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और प्रवीण जी एक युवा लीडर युवा समाज से के रूप में एक कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ पाया है और जैसा कि दीपक जी सॉरी क्या नाम था गौरव जी ने भी काफ़ी कुछ बताया मैं दीपक जी और पीयूष का भी थैंक्स करूँगा कि जैसे कि प्रवीण जी बता रहे थे कि इन दोनों ने मिलकर काफ़ी मेहनत कैसे कर दी हम सभी हेडर्सेस को यहाँ पे इकट्ठा किया उसके लिए प्रवीण जी को बहुत बहुत थैंक्स और कुछ ही समय में मैं हमेशा इतनी पिक्चर देखता हूँ मेरे घर के अंदर जैसे महीना चेंज होता है कैलेंडर का प्रवीण जी का चेहरा आ जाता है रोज जब तारीख देखता हूँ क्या वार है क्या तारीख है क्या त्यौहार है प्रवीण जी का चेहरा रोज देखता हूँ तो इन्होंने छोटे से टाइम में जो रिपोर्ट्स बनाए हैं और अलग तरह से बनाए हैं उसके लिए भी मैं इनकी टीम को और प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ हेयरड्रेसर्स का सम्मान शायद इंसान जब थोड़ा अपने आप को समझने लगा थोड़ा शिक्षित होने लगा अपना चेहरा जब उसने पहली बार पानी के अंदर देखा तो उसे लगा कि मैं कैसा लग रहा हूं शायद आदि मानव मेरे से होते थे इतने बड़े बाल पर मेरे मैनेजेबल हैं उनके अनमैनेजेबल होते थे उनके शैम्पू नहीं होता था कंडीशनर नहीं होता था ट्रीटमेंट्स नहीं होते थे कलर नहीं होता था अनमैनेज थे साधु संतों के होते उस तरह के आदिम समाज में इस तरह के बाल हो जाया करते थे चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो इस कंडीशन में जब उसने पहली बार उस वक्त मिरर हुआ नहीं करते थे आज तो हर घर में आपको मिरर मिलेंगे रोज सुबह उठकर चेहरा देख लेते हैं उस वक्त हमने चेहरा देखा उस मानव ने कहाँ देखा पानी के अंदर जब पानी के अंदर चेहरा देखा तो उसने सोचा यार मैं कैसा लग रहा हूँ कुछ लोगों ने फील किया मैं अच्छा लग रहा हूँ कुछ लोगों ने फील किया मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ तो धीरे धीरे सोचा ये फालतू की चीज को काटो उन्होंने पत्थर से काटना शुरू किया लकड़ी से काटना शुरू किया जैसे कि आप आदिवासियों का देखते हैं कभी कभी टैटूज वो अभी भी टैटूज लकड़ी से या पत्थर से बनाते हैं तो उस काल में उस वक्त से धीरे धीरे उस वक्त कोई जाति नहीं थी एक ट्राइबल ने दूसरे ट्राइबल के बाल काटे थे आज भी बहुत सारे आदिवासी समाज हैं जहां पर एक ट्राइबल दूसरे ट्राइबल के बाल काटता है आजकल मेरे पास इतने काफी सारे क्लाइंट आते बोलते हैं हम यूरोप के अंदर रहते हैं पर यूरोप के अंदर बाल कटाना बहुत ही महंगा है तो हम क्या करते हैं अपने खुद ही ट्रिमिंग कर लेते हैं अपने बाल खुद ही काट लेते हैं इसका मतलब क्या निकला कि यदि जो सौंदर्य है उसके लिए सभी जागरूक हैं नंबर वन एक दूसरे के बाल काटते थे पर जो धीरे धीरे जैसे समाज आगे बढ़ा जाति व्यवस्थाएं बनने लग गई अलग अलग जातियां बनने लग गई मैं यदि कहूं कि ओबीसी जिसमें सेम समाज आता है उसको यह समझा जाता कि पिछड़ा समाज है आर्थिक रूप से तो मुझे समझ में आती है यदि ये कहा जाए कि ये मानसिक रूप से पिछड़े तो ये मुझे समझ में नहीं आता मानसिक रूप से हम चाहे कोई सा भी काल हो मेरे गांव का हेडर्सन भी मानसिक रूप से सक्षम है जो पेड़ के नीचे बाल काटता है वो भी एक कलाकार है और मानसिक रूप से सक्षम है और बहुत अच्छा हेयर कट करता है हो सकता है हम बड़े सैलून में वो कट नहीं कर पाए वो पेड़ के नीचे बाल काटने वाला करता है तो एक बात क्लियर है पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार से मुक्त समाज जो है और भी होंगे पर मैं अभी सेंस समाज का कह रहा हूं सेंस समाज है जिसके काम में कोई भ्रष्टाचार नहीं है जो कड़ी मेहनत करता है शमशान में जाके भी बाल काटता है
हमारे रीति रिवाजों के अनुसार घरों में जाके भी बाल काटता है, दूर दराज के इलाकों में बाल काटता है, किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो उस बुजुर्ग की सेवा करने के लिए बाल काटता है। हॉस्पिटल के अंदर जो अनवांटेड हेयर्स हैं या बाल हैं उनको बाल काटने का काम भी सेन समाज के लोग करते हैं, और ये बहुत ही महान सेवा है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि सेन समाज की महिलाएं पहले हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, महिलाएं सबसे बड़ी मेडिकल डॉक्टर थी, चिकित्सक थी। महिलाओं को पता होता था कैसे बच्चों को जन्म दिया जाता है और कैसे बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। यह है सेन समाज की महानता। परंतु हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसकी वजह से हम पिछड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और इसलिए हम ओबीसी में हैं, सुलर कास्ट है, ट्राइब्स हैं, अछूत जातियां हैं। कभी कभी हम लोग भी बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। सेन समाज ओबीसी का है और वो सोचता है कि हमसे भी नीचे वाली जातियां हैं जिसको टच नहीं करना चाहिए। इस चीज से हमें निकलना पड़ेगा। छुआछूत, भेदभाव, जाति का भाव, वर्ण का भाव, काले गोरे का भाव, गांधी को ट्रेन से उतार दिया। आज गांधी जयंती है ना, गांधी जी को ट्रेन से क्यों उतारा? मिनिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े लीडर थे, उनको इसलिए उतारा कि काला बंदा ट्रेन में नहीं बैठ सकता, इसलिए नीचे उतार दिया। ये भी भेदभाव है दुनिया के देशों में। हमें आज सम्मान दिया जा रहा है उसके लिए मैं थैंक्स कहूंगा प्रवीण जी को। परंतु ये भी कहूंगा कि ये प्रॉपर सम्मान हमें तब मिलेगा जब हमारे श्रम का, हमारी मेहनत का वाजिब दाम हमें मिलेगा। हमसे बाल कटवाते हैं लोग, फेशियल करवाते हैं, पर पूरा पैसा नहीं देते, बाजी पैसा नहीं देते। बाजी पैसा नहीं देते, और हमें जब तक पैसा पूरा नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, मैं सभी जगह बोलता हूँ ये बात, सभी हेड एसएल के साथ बोलता हूँ, क्या आपने रेट बढ़ाई? क्या आप लोगों ने रेट बढ़ाया? नहीं, क्योंकि हम तो समाज सेवक हैं, वो बड़ी समाज करते हैं, समाज सेवा करते हैं, हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। सभी जाति के लोग हमारे सैलून पे बाल कटवाने आते हैं और वो वाजिब दाम नहीं देते। जब तक हमारी आर्थिक स्थिति, हमें पूरा दाम नहीं मिलेगा, जितने श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको मजदूर का, हमारे कलाकार का दाम नहीं मिलेगा, तब तक हमें वो सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता जो सम्मान प्राप्त होता है। एक सुगर कास्ट और ट्राइब्स की जाति में अपर कास्ट की शादी हो जाती है केवल ये सोच के होती है कि वो संपन्न परिवार है, उसके पास गाड़ी है, तो वो नीची जात का नहीं रहा, और ऊंची जात वाले के पास कार नहीं है तो नीची जात का हो गया। इस बैलेंस को समझना पड़ेगा, इस सामाजिक बैलेंस को समझना पड़ेगा, तब जाके हमारा डेवलपमेंट होगा। मैं राजू भाई, दुर्गेश जी, शांति भाई साहब, शंभू जी, प्रवीण जी और दीपक जी, पीयूष जी और वापस नाम भूल गया आपका, गौरव जी और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे होने का मौका दिया। और मुझे जब मैं मंच पे खड़ा होता हूँ बड़ा मुश्किल होता है मुझे यहाँ से हटाना बड़ा, और मुझे जब मेरे लोग सामने होते हैं, मेरे मतलब मेरे तो सभी हिंदुस्तानी हैं, मेरा आपसे ये भी कहना है जातिवाद देश के लिए बहुत ही खतरनाक एक जहर है। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान हिंदुस्तान बन ही नहीं सकता, महान हो ही नहीं सकता। जब तक घोड़े से उतार दिया जाएगा दूल्हे को, जब तक छुआछूत की जाएगी, छोटा बड़ा समझा जाएगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें आज सम्मान इसलिए मिल रहा है, आज हमने कई सैलून से जहां पर अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आके बाल कटवाना पड़ता है, आज बहुत सम्मान पाया है सेन समाज ने। आज हमारे परिवार के लोग बड़े जी अब ये कहने लगे हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा, मेरा बच्चा हेयर ड्रेसर बनेगा।
और जब ये निशान लेकर मैं घूमता हूँ पूरे इंडिया में वार्ड्स में, ये देखे मैं बताता हूँ कि मैं बाल काटने वाला हूँ, मैं सेन समाज का हूँ, मैं हेयर ड्रेसर हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है, प्राउड है कि मैं इंडिया को ही नहीं पूरी दुनिया को स्वच्छ बनाता हूँ, सुंदर बनाता हूँ, टॉप टू बॉटम नीट एंड क्लीन करता हूँ। जिसके पैर कोई छूते नहीं उनके पैरों को मैं छूता हूँ, उनके नाखूनों को काटता हूँ, मैं यहाँ से बालों को क्लीन करता हूँ, मैं यहाँ से बालों को क्लीन करता हूँ। तो मेरे से जैसा महान जो स्वच्छ करता है हिंदुस्तान को, मोदी जी ने एक नारा दिया जो मुझे पसंद आया, स्वच्छ भारत। और उस स्वच्छ भारत का काम तो हम लोग, ये जितने भी लोग आप बैठे हो, कई वर्षों से कर रहे हैं यार। हम इंसान को स्वच्छ बना रहे हैं। इंसान नहाए धोएगा भी नहीं, सुबह स्नान नहीं करेगा, बाल नहीं कटाएगा, तो अपने आसपास के एरिए को क्या स्वच्छ रखेगा। तो हमने आज काफी सारे अपने हेयर ड्रेसिंग में बाल काटने में अवार्ड्स पाए हैं। उदयपुर के काफी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम किया है, इंटरनेशनल अवार्ड्स लेके आए बाल काटने के अंदर, और हमने उदयपुर का नाम रोशन किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये उदयपुर के बाल काटने वालों की पहचान है। उसका एक नाम भी बता सकता हूँ आपको, राहुल बैठा है हमारे बीच में, राहुल वेद। ये यूरोपियन वेलनेस सेक्रेटरी काउंसिल जो केंद्र सरकार की एक यूनिट है, उसके माध्यम से गया और ब्राजील में जाकर मेडेलियन जीत के लाया बाल काटने में। कमलेश सेन, पुष्कर सेन, और हमारे बीच में काफी लोग बैठे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड जीत चुके हैं। यदि मैं मेरे सैलून की बात करूं, मेरे सैलून में जितने भी हेयर कटिंग का स्टाफ है, उन्होंने सभी ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाल काटने के अवार्ड जीते हुए हैं। तो हम सम्मान अपने अच्छे काम करके भी पाएंगे, हम इंडिया को स्वच्छ बनाएंगे, हमारे सैलून को स्वच्छ बनाएंगे, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी इस उदयपुर शहर को और इस हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाए, ऐसा पैगाम दें, एक पैगाम पहुंचाए कि हम भी भारत को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। कोई भी आकर ऐसे नाक बंद नहीं करे, रास्ते में गाय बैठी है, बैल बैठा है, उसे टक्कर मार दिए, उससे मर गया है, मतलब नाले में सड़ान पैदा हो रही है। देश स्वच्छ होना चाहिए, प्रकृति ने उदयपुर को सुंदर बनाया पर हमने उसको गंदा कर दिया, हमने उसको गंदा कर दिया। दुनिया में उदयपुर को माना जाता है पर हम लोगों ने उसमें कूड़ा कचरा सब डाल के चाय पी के फतेह सागर में कब फेंक देते हैं, पॉलीथिन हम कहीं भी फेंक देते हैं, कि हमने उसको गंदा कर दिया। तो केवल एक बंदे से नहीं, केवल प्रणीत जी से नहीं, उनकी टीम से नहीं, हम सबसे शायद प्रणीत जी यही उम्मीद रखेंगे कि आप जो अवार्ड लेके जा रहे हो तो आप स्वच्छ भारत का, सिर्फ एक बात मैं कह रहा हूँ, स्वच्छ भारत के लिए ईमानदार लोगों से जो दुनिया को स्वच्छ बनाते हैं, हर इंसान के दिमाग को सही कर देते हैं, उन लोगों से अपील करता हूँ कि आप स्वच्छ उदयपुर के अभियान में लग जाएं इस अवार्ड लेने के बाद। धन्यवाद।